तो गाइस यार, आप लोग को तो पता ही है कि लॉस सैंटोस में भाई साहब कितना भयंकर सुनामी आया है यार। अरे बिल्कुल सही बोला है गाइस, हर तरफ पानी ही पानी है। एक बार पानी में जाओगे ना, इतना ठंडा हो गया है पानी, क्या बताओ। और अभी तक बारिश हो रही है फेंक भी है। और यार सच में बहुत ठंडा पानी है भाई साहब, पागल है चौप, किनारे में जा रहा है, गिर जाएगा। इधर आ, इधर आ भाई साहब, अभी बच गया चौप तू तो। अरे यार मेरे को कभी कुछ नहीं होता समझे क्या गाइस, फेंक भी है तो मुझे कमजोर समझते है कमजोर। अब भाई साहब ले गया ना, मैं तुझे कह रहा था किनारे में मत जा, कमजोर समझते हैं कमजोर। गाइस आप लोग तो जानते ही हो, हमारे घर के सामने इतना भयंकर सुनामी आया है, हम कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन गाइस बैनी भैया ने हमारे लिए कार बनाई है जिससे हम पानी में भी चल सकते हैं। आप लोग ने तो देख, अबे वहाँ पे कोई हेल्प के लिए बुला रहा है सिंचन। अरे बचाओ, अरे हमें बचा लो भाई। ओहो भाई साहब, सुनामी में दो लोग फंसे हुए। गाइस अब मेरा काम ये है कि उनको जाके बचाता हूँ, क्योंकि गाइस वो लोग भूखे प्यासे कब तक वहाँ पे खड़े रहेंगे यार। अरे मैं काम करता हूँ, मैं जाऊँ क्या? नहीं नहीं चुप, रहने दे रहने दे, तू अपने आप को बचा ले पहले। गाइस एक मिनट, सिंचन सिंचन कहाँ पे गया भाई साहब तू? अरे बोलो ना फेंगी पे क्या हुआ है? अरे मैं कह रहा हूँ मैं किसी को बचाने जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है? और तुम दोनों घर पे रहना। अरे नहीं नहीं फेंगी भैया, आप अकेले मत जाओ, आप चुप को लेके जाओ। अबे ठीक है चुप, आजा फटाक से हम दोनों चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी के ऊपर रहूंगा। अरे फेंगी भैया किधर है वो? अरे जो हमारा घर नहीं है, जहाँ पे बैल्कनी है उसके सामने घर के ऊपर है, दो आदमी जाके देख ले बेशक। अरे ठीक है मैं जाके उनसे कह देता हूँ कि आप उनको बचाने जा रहे हो, ठीक है? चलो ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ से निकलता हूँ और तो ऊपर से जाके कह दे उनको मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अरे हाँ रुको गाइस, पता नहीं कहाँ पे है वो लोग। फेंगी भैया दो मिनट, गाइस उनको कह देता हूँ कि फेंगी भैया उनको बचाने जा रहे हैं, वरना पता चले वो लोग पानी में डूब जाए। अरे कहाँ है यार, कहाँ है? अरे सामने हमारे घर के जस्ट सामने, वो देख दिख गया होंगे तेरे को। अरे हाँ दिखे। अरे अंकल सुनो। हाँ बोलो बच्चे, दिखा मैं तुम्हें। अरे हाँ दो मिनट वहीं रुकना, फेंगी भैया तुम्हें बचाने आएंगे, ठीक है? बचाने मतलब समझ नहीं आ रहा, सुना नहीं दे रहा मेरे को। अरे वहीं पे रहना, कहीं जाना मत यार। ओके गाइस अभी हम लोग फटाक से निकलते हैं और सुनामी की लहरें तो बढ़ती जा रही है। अबे तुम लोग पागल वागल हो, पानी में कहाँ जाते रहते हो? ओ भाई साहब बोरी, लेट्स गो गाइस पानी में। ओ बड़े आराम से आ गए, आ जाओ दोनों के दोनों आ जाओ। अरे हाँ भाई साहब आ रहे हैं। अरे भाई साहब हमें बचाने कोई नहीं आया लेकिन आप आ गए, थैंक यू। अरे आपकी बहुत बहुत मेहरबानी यार। अरे लेकिन तुम लोग फंस कैसे गए थे? अरे यार हम लोग रास्ते में चल रहे थे, हमारी गाड़ी खराब हुई और हम लोग यहाँ पे चढ़ गए, हमें क्या पता था सुनामी आ जाएगी। अरे मैं भाग तो सकता था लेकिन मेरा मन किया कि मैं अपने दोस्त को छोड़ के ना जाऊँ यार। ओ भाई साहब थैंक यू। वो की गाइस यार सुनामी ने ना कई लोगों को बर्बाद करके रख दिया गाइस। और वेट, और ये लो तुम लोग को मैं जमीन पे ले आया, अब तुम लोग अपने घर आराम से जा सकते हो यार। अरे हाँ भाई साहब थैंक यू, अब हम लोग यहाँ से घर चले जाएंगे, बस थोड़ा सा सूख जाए, आपके गैराज में चले जाए दो मिनट। अरे ठीक है जाओ, चले जाओ सूख जाओ, सूखने के बाद भी तो गीला ही होना है आपको क्योंकि बारिश तो रुकी नहीं थी। अरे वो तो बात सही है लेकिन आप समझा करिए ना, और ज्यादा गीले हो जाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी हमारी। हाँ आ जाओ। गाइस देख रहे हो ये लोग कितने गीले हो गए हैं और कितने दिन से फंसे हुए सुनामी में, वो तो मैं अभी जाके बचा के लाया हूँ यार। अरे बिल्कुल सही बोला, वरना पता नहीं वो लोग भूखे प्यासे रह जाते। अंकल यार कम से कम एक बार थोड़ा तैर तो लेते यार। अरे अच्छा क्या बताओ, मुझे तैरना ही नहीं आता है यार। अरे लो इनको तो तैरना ही नहीं आता, आजा चौप अंदर आजा। अरे हाँ गाइस यार सच में आज तो हमने इनको बचा लिया, वरना पता नहीं इनका क्या हाल होता यार। भाई साहब जो भी हाल होता, लेकिन गाइस मुझे ये बात नहीं पता कि सुनामी कब खत्म होगा यार, जब से 3-4 दिन हो गए अब तक सुनामी खत्म ही नहीं हुआ और ये लोग भी घर गए, जाओ आराम से चले जाना। अरे हाँ भाई साहब थैंक यू, आपने हमें बचाया। अबे वेट गाइस, मेरे भी तो दोस्त हैं और उनको भी तो तैरना नहीं आता भाई, माइकल को। अबे भाई साहब माइकल को फोन करके देखो क्या सिंचन। अरे करो। अरे गाइस यार सुनामी है और हमने माइकल भैया को फोन भी नहीं किया, एक बार करके देखो फेंगी भैया। वेट गाइस माइकल को फोन करते हैं और माइकल, अरे माइकल तो फोन ही नहीं उठा रहा भाई साहब। अरे और लगा, एक और बार लगा के देखो फेंगी भैया। एक मिनट। अरे भाई माइकल उठा ले फोन, भाई साहब माइकल नहीं उठा रहा यार। फेंकी भी है, माइकल भैया का घर भी डूबा हुआ है सुनामी में। अबे हाँ वो तो मुझे पता है, पूरा लॉस सैंटोस ही डूबा हुआ है और बस हमारा घर बचा हुआ है गाइस, वो ना ट्रेवर भैया। अबे
ट्रेवर भैया भी कहाँ पे है हमें ये भी नहीं पता। गाइस हमने माइकल भैया और ट्रेवर भैया को भी नहीं बचाया। सबसे पहले माइकल भैया के घर में जाते हैं और देखते हैं गाइस उनका क्या हाल है। यार हमने तो कुछ सोचा ही नहीं माइकल भैया के बारे में। लेट्स गो गाइस, अभी जाते हैं माइकल भैया को ढूंढ के लाते हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा कि हम उनसे बात कर पाए, तो चलते हैं फटाक से और उनका पता लगाते हैं कहाँ पे। अरे जल्दी बैठ चौप यार, टाइम नहीं हम लोग के पास। अरे यार सच में मैं तो माइकल भैया को सोच रहा हूँ कि कैसे ढूंढेंगे यार। अबे ढूंढ लेंगे, तू आना पहले फटाक से बैठ। गाइस आप लोग तो देख ही सकते हो हर तरफ इतना पानी है ना कि अगर कहीं भी जाओ तो पानी ही दिख जाता है फ्रैंकलिन भैया। अबे भाई साहब सुनामी का मतलब यही होता है। गाइस बस मैं ये सोच रहा हूँ ये सुनामी खत्म कितने दिनों में होगा यार। अरे यार ये तो बिल्कुल सही बोला गाइस, सुनामी कब खत्म होगा ये तो मुझे भी नहीं पता फेंक भैया। अबे भाई साहब जब भी हो, लेकिन अभी एक जंप मारते हैं और पानी में जाते हैं और लेट्स गो गाइस 1 2 और 3। अरे भाई यार राम से गाइस इस गाड़ी पे तो मुझे भरोसा ही नहीं होता, दिखने में बहुत पुरानी है लेकिन दमदार भी है और एक नंबर है। फेंकी भैया यार माइकल भैया का घर किस साइड है, उस साइड चलो। ओहो मुझे पता है माइकल भैया के घर कहाँ पे है और लेट्स गो गाइस, चलते हैं फटाफट से माइकल भैया के घर। अरे चलो गाइस, यार माइकल भैया को तो कॉल भी कर रहा हूँ तभी कॉल नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ पे है यार। अरे माइकल भैया कॉल तो पिक कर लो यार। भाई साहब माइकल भैया ना हमारा कॉल कभी भी पिक करते हैं लेकिन आज नहीं कर रहे। और गाइस आप लोग तो सुनामी की लहरें देख ही रहे हो, भाई साहब पूरी गाड़ी पलटा देगी, लेकिन यार ये गाड़ी बैलेंस करके चल रही है। वेट यार, अरे पानी भर गया इंजन में। अरे जल्दी चलो भाई साहब ऊपर, इसी के ऊपर ले जाता हूँ और भाई गाड़ी के इंजन से पानी निकलने देते हैं फिर आगे जाएंगे। अरे यार अभी तो फंस गए थे हम लोग इंजन। अरे हाँ मुझे पता है, यहीं पे रुके रहो गाइस, चलो यहाँ से ये भी देख लेते हैं कि कहाँ पे है माइकल भैया का घर का लोकेशन। हाँ गाइस पानी की वजह से मुझे सड़कों का पता नहीं चल रहा, एक बार मैं चेक कर लूँ कि माइकल भैया का घर कहाँ पे है। और सामने है ये बिल्डिंग और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर जस्ट भाई साहब यहाँ पे है माइकल भैया का घर। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं फटाक से। और हेल्प के लिए कोई दिख भी नहीं रहा, कोई आदमी भी नहीं है भाई साहब जो हेल्प मांग रहा हो, जो मांगेगा हेल्प उसकी मैं करूंगा हेल्प। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं फटाक से यहाँ से। अरे फेंकी भैया कहीं भी आग वाग नहीं लगा रखी। अरे यार लगता है बहुत लोग बच गए हैं अपने आप से फेंकी भैया। लगता है सबको तैरना आता है और सारे के सारे लोग सेफ हाउस में पहुंच गए लगता है। चलो गाइस हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं माइकल भैया को ढूंढते हैं। अरे मिशन माइकल बचाओ यार, जल्दी चलो फेंक भैया। और गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इंजन का पानी अब निकला है भाई साहब जाके। और गाइस जब से ना इंजन जाम हो गया है और ये घसकने का नाम भी नहीं ले रहा, अभी तक तो पानी निकल गया होगा। तो अब बैठते हैं और फटाफट से यहाँ से निकलते हैं यार। अरे यार क्या पता अभी भी ना चले गाड़ी। गाइस सच में ये गाड़ी भी ना बहुत ज्यादा भाव खा रही है। अबे ये बैनी ने जुगाड़ से बनाई है ना इसीलिए। अरे चल गई मजा आ गया। ओ गाइस बच गए, अभी तो लगा हम लोग भी यहीं रह जाते और हमें कोई और रेस्क्यू करता यार। हाँ भाई साहब मुझे भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन अभी ठीक है। गाइस ये वाली गाड़ी बनी है एक बोट के नाव के इंजन से और दो ड्राम लगा के, और ये बनाई किसने आप लोगों को तो पता ही होगा, बैनी भैया ने। भाई साहब कितना भयंकर जुगाड़ मार के बनाया इस गाड़ी को। अरे तभी तो यार ये चल रही है एकदम जुगाड़ से। गाइस कभी भी बंद ना हो जाइए, चल मेरी गाड़ी जल्दी चल माइकल भैया के घर लेके चल। मैं अबे जा रहा हूँ मैं लेके, और तू गाड़ी को बोल रहा है। ओह भाई यार पानी की लहरें तो बढ़ती जा रही है, लगता है और तेज बारिश आने वाला है लॉस एंजेलिस के अंदर। अरे ऐसा मत बोलो यार, और तेज बारिश आ जाएगा तो हमारा घर भी डूब जाएगा। हाँ भाई साहब जैसे भी एक बार भी गाइस तेज बारिश आई तो हमारा घर सीधे डूब जाएगा, क्योंकि गाइस हमारा एक ऐसा लौता घर है हमारा इलाका जहाँ पे यार अभी तक बाढ़ नहीं आया है। और भाई साहब पूरा लॉस एंजेलिस ट्रेवल भेगा गाँव और हर एक जगह पानी ही पानी भरा हुआ है यार। अरे फेंकी भैया यहाँ पे एक छोटा सा टावर यहाँ पे खड़ा कर दो, क्योंकि चौप हमारे साथ नहीं जाएगा ना, हम तो नहीं जाएंगे सिर्फ माइकल भैया के घर में। हाँ गाइस एक काम करता हूँ, यहीं पे गाड़ी को पार्क करता हूँ और नीचे जाता हूँ, क्योंकि मुझे याद भी रहेगा कि मैंने गाड़ी को यहीं पे खड़ा किया है तो सीधे मैं ऊपर आ जाऊंगा। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं फटाक से सिंचन आ जा। अरे तुम दोनों जल्दी से माइकल भैया को लेके आना, मैं अकेला ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा, मुझे अजीब लगता है यार। अबे अजीब के बच्चे तू भी कुछ जो पानी में ठीक है ना, फिर तेरे को बचाने भी नहीं आऊंगा मैं। अरे ना बाबा ना, जाओ आराम से आना जाओ। ओके गाइस अभी सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें माइकल भैया का घर ढूंढना है। तो कहाँ पे गया माइकल भैया के घर, अबे कहाँ गया मैं तो भूल गया पूरा का पूरा। अरे देखो मैं इस साइड देख रहा हूँ, आप डायरेक्ट घर पे जाओ मैं आता हूँ ठीक है। ओ भाई साहब दिख गया। तो भाई साहब पूरे लॉस एंजेलिस में एक भी बंदा नहीं दिख रहा गाइस,
और जो है वो ने वो राइक देखो गाइस उन्हें तैरना आता है और वहाँ पे अरे नहीं नहीं वो तो लाइट है यार, मुझे लगा कि बंदा है वहाँ पर एक। अरे यार आपको आंखों को क्या हो गया है गाइजर, मेरी तो बिल्कुल सार पाई है, मैं आऊँ क्या फेंक भैया? अरे तू भी आ जा और मैं देख लेता हूँ वैसे। अरे यहाँ भी नहीं है, अरे यहाँ भी नहीं है मैकल भैया, अरे हर तरफ ढूंढ रहा हूँ इधर तो है नहीं मैकल भैया। अबे मैं भी ढूंढ रहा हूँ, रुक जा गाइस अभी तक कहीं नहीं मिले मेरे को। और भाई जब अब वक्त आया घर के अंदर जाने का, अब घर के अंदर होंगे तो होंगे वरना लगता है वो कहीं सेफ जगह में चले गए होंगे। तो अरे दरवाजे कहाँ गया, अरे आगे दिख नहीं रहा भाई साहब। ओ लो भाई साहब दरवाजे, और माइकल भैया, वे माइकल भैया तो यूं ही पड़े हुए पानी के अंदर। अरे माइकल भैया उठाओ, अरे उठाओ उठाओ इनको जल्दी उठाओ, ऊपर लेके चलो यार। अबे भाई साहब पानी में कब से पड़े होंगे ये, अबे भाई यार सही हुआ हम इनको बचाने आ गए। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम लोगों ने माइकल भैया को बचा लिया। बस एक बार हाथ में लेता हूँ और चलता हूँ, जल्दी सिंचन ऊपर चल जाए, मेरी सांस फूल रही अब तो। अरे तो लेके चलो ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो गाइस, यार फैंकी पे लेके जा रही, ये गेट खुला है वो गेट बंद है यार। अबे ओहो मुझे लगा ये वाला भी खुला होगा, अब मेरे हाथ में भारी भी तो आ गए ना, अब मैं तैरू या ऊपर लेके जाऊँ इनको, सही में यार बहुत मेहनत पड़ रही है अब तो। अरे यार पानी में वजन हल्का होता है यार, आपको पता नहीं है क्या, जल्दी जल्दी ऊपर लेके आओ। भाई साहब इतना आसान काम समझ रहे हैं तू गाइस, ओ भाई हाथ मेरे दर्द होने लग गए यार। अरे तो यार माइकल भैया को तो बचाना ही है ना, अब लेके चलो किसी भी तरह। चलो गाइस यार फैंकी भैया, माइकल भैया तो बच गई यार किसी भी तरह। हो भाई साहब माइकल भैया एक मिनट गाइस अभी तक बेहोश पड़े, अरे उठ जाओ ना माइकल भैया, अरे उठ जाओ यार कब तक ऐसे सो रहोगे, अरे उठो उठो कब तक सोओगे यार। अरे यार क्या पता ये बेहोश हो गए हो, इनके शरीर में पानी भर गया हो, जल्दी से इनको घर लेके चलते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है यार। हाँ भाई यही करना पड़ेगा। तो गाइस एक काम करते हैं, पीछे चौप के साथ इनको ऊपर रख देंगे और हम दोनों फटाक से घर में चलते हैं, फिर वहां पर जाके देखेंगे इनको क्या हुआ है। अबे चौप ले इनको पकड़ फटाक से। अरे हाँ रुको रुको, अरे माइकल भैया उठो ना, क्या हुआ? अरे गाइस यार माइकल भैया को पता नहीं क्या हो गया, अरे आओ आओ फ्रैंकलिन जल्दी आओ यार। ओ भाई यार चल सिंचन फटाक से बैठ और हम लोग यहाँ से निकलते हैं यार। अरे रुको रुको दो मिनट गाइस यार, मैं सोच रहा हूँ पीछे ही बैठ जाता हूँ, अरे आगे बैठे रहूंगा तो यार फ्रैंकी भैया माइकल भैया को ध्यान से देख नहीं पाऊंगा ना। हाँ पकड़े रहिए पीछे बैठ कर और लेट्स गो गाइस, अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है माइकल भैया को, अब हम लोग घर जाते हैं फटाक से। और भाई साहब देखते हैं माइकल भैया को क्या हो गया, जब से बेहोश पड़े, अबे उठाना पीछे बैठा है तो उनको। अरे उठो ना माइकल भैया, अररे पानी के छींटे दे रहा हूँ, ये तो उठ ही नहीं रहे। लेकिन पानी के छींटे पूरा का पूरा पानी में डूबे हुए थे वो, तब भी नहीं उठे भाई साहब। अरे यार इनकी सांस तो चल रही है फैंकी भैया, चलो चलो इनको घर लेके चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। चलो भाई साहब अब घर जाके पता लगाएंगे कि इनको करना क्या है और इनके साथ करेंगे क्या। ओ भाई रे लहरें इतनी बड़ी बड़ी आ रही है और ये पानी रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही गाइस, लेट्स गो गाइस। अरे इतनी बारिश क्यों हो रही है यार, अरे बारिश बंद हो जाना, जब से दिमाग खराब कर दिया है गाइस, पूरे एक हफ्ते से बारिश ही बारिश हो रही है पूरे घर की तरफ। हाँ भाई जैसे भी है अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और अंदर जाते हैं और माइकल भैया को उठाते हैं गाइस। हो भाई रेस्क्यू तो कर लिया गाइस, जस्ट माइकल भैया को नीचे उतारते हैं और माइकल भैया अरे इनके मुंह में मारता हूँ, रुक जा ये ले। अरे उठा उठा इनको जल्दी उठा, अरे माइकल भैया उठो गाइस ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है जब उनको ठंडी। भाई साहब रुक जा अरे भाई ये तो पूरे मुंह में भर जाए, ये लो और माइकल भैया जल्दी उठ जाओ यार। अरे हाँ भाई माइकल भैया जल्दी उठो। अरे यार तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू यार फ्रैंकलिन। अरे वो को तो कोई बात नहीं, लेकिन यार आपको तो मेरा फोन उठाना चाहिए था ना, आप अंदर पानी के अंदर कैसे बेहोश पड़े हुए थे। अरे मैं पानी में नहीं था, जब तुमने कॉल किया तब पानी में गया था मैं। वेट गाइस अब मैं ड्राइवर भैया को फोन लगा रहा हूँ, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे यार इनको तो तैरना आता है ना यार। अरे हाँ हाँ इसको तैरना आता है, इसने मेरे से बात की थी, बोल रहा था कि ये कहीं घूमने जा रहा है पहाड़ के साइड। अबे भाई साहब पहाड़ के साइड, वेट गाइस एक तो मेरा घर आता है पहाड़ के साइड में और एक ड्राइवर भैया का आता है हाँ माउंट चिल यार्ड के बगल में, एक छोटा सा पहाड़ है वही वाला पहाड़ होगा फिर तो। अरे हाँ वही है चलो चलो जल्दी चलो। अरे यार तुम दोनों जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है यार। अरे एक काम करो फिर चौप, तू इनका ध्यान रखियो, मैं और सिंचन फटाक से ड्राइवर भैया को बचा के आते हैं ठीक है। अरे हाँ हाँ मैं इनका ध्यान रखूंगा। अरे चौप एक काम कर चाय बना के ले आ यार। अरे ना बाबा ना मेरे को चाय बनाने नहीं आता। अबे जाके चाय बना दे सीधी तरह, आता है देखो ठीक है ना। गाइस यार चलो फाइनली हमने माइकल भैया को बचा लिया और उनको होश भी आ गया, अब चलते हैं ड्राइवर भैया के पास, पता नहीं यार वो क्या कर रहे होंगे पहाड़ की साइड में। अबे यार कोई जरूरी थी ना वो पहाड़ के साइड में हो, वो कहीं भी हो सकता है,
क्योंकि गाइस उनको तैरना तो आता है और वो आप लोग को पता है कितने डेंजर है, तो उनको तो यार कुछ हो ही नहीं सकता कभी भी। लेट्स गो गाइस, यहाँ से निकलते हैं और फटाफट से ऐसे इलाके में चलते हैं जहाँ पे पहाड़ों में घूमने के लिए लोग जाते हैं। टैंकी भैया गाड़ी को आराम से चलाओगे तभी तो जल्दी पहुँचेंगे। हाँ हाँ, आराम से नहीं, तेज चलाना पड़ेगा। तो गाइस ये देखो फुल स्पीड में जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक तो है नहीं, रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं चल रही। पूरे लॉस सैंटोस में एक मेरी गाड़ी जो चल रही है पानी में। और भाई साहब हम लोग आ गए हैं माउंट चिलियार्ड की तरफ। और गाइस यहाँ पे सारे के सारे माउंटेन अभी बचे हुए, कोई सा माउंटेन नहीं डूबा है यार अभी तक तो। अरे कितनी भी बारिश हो जाए माउंटेन माउंटेन होता है यार, सारा पानी माउंटेन में गिरता है और जमीन में आ जाता है, समझे क्या है? अबे हाँ हाँ, ये सब तो मुझे भी पता है और ये सब मेरे दोस्तों को भी पता हुआ है। लेकिन गाइस हमारे ड्राइवर भैया कहाँ गए? ड्राइवर भैया अरे ड्राइवर भैया को देखना पड़ेगा कहाँ गए यार। अरे इधर अरे कहीं से आवाज आई तेरे को आई क्या? अरे मुझे भी यार इधर करके कोई बुला रहा है। अरे वो देखो ड्राइवर भैया। अबे भाई साहब ड्राइवर भैया, अरे पागल है क्या? जब से बचा हुआ हूँ अभी ठोके मारेगा मेरे को? अरे नहीं नहीं, हमें आपको ठोकने नहीं है, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन ये बताओ इधर कर क्या रहे हो ड्राइवर भैया? अरे मैं अपनी लैम्बोर्गिनी से आया था घूमने के लिए, वो तो मेरी गाड़ी पलट गई, वरना तो मैं सीधे बच के आ रहा था तुम्हारे घर यार। तो सब तो ठीक है, लेकिन लैम्बोर्गिनी पानी में कैसे चलती ड्राइवर भैया? अरे पागल है क्या सिंचन, मेरे को तैरना आता है, मैं तैर के तेरे घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना? अरे ठीक है, लेकिन पहले आप आओ गाड़ी में बैठो और चलो हमारे घर हमारे साथ, समझे क्या? अरे वो तो ठीक हुआ तुम लोग मेरे को बचाने आ गए, वरना तो बस मैं अभी तैर के आने ही वाला था। अरे यार मुझे लगता तो नहीं आप तैर लेते। गाइस एक बार आप लोग पानी देखो, और ये ड्राइवर भी ये कहते हैं कि तैर लेते, फेंकी भाई देखना एक बार। अबे भाई साहब तैर भी सकते हैं, ड्राइवर का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। देखा फ्रैंकलिन को मेरे बारे में पता है, अभी तो बच्चा है ना, इसीलिए तेरे को मेरे बारे में नहीं पता भाई साहब। अरे यार मुझे तो नहीं लगता, एक काम करो यही कूद जा पानी में, समझे क्या, फिर आ जाना हमारे घर। अरे पागल समझा है मेरे को, अभी एक गाड़ी में बैठ गया हूँ मैं, तो मुझे उतारना चाहता है। अरे लेकिन ये बात तो ध्यान नहीं दिया मैंने, ये गाड़ी कैसे चल रही है पानी में? अरे यार ये तो मैंने बनाई है, समझा क्या भाई, मेरा दिमाग बहुत तेज है ड्राइवर भैया। अरे पागल बना रहा है, ये काम तो बैनी का लग रहा है मेरे को, यहाँ पे बैनी भी लिखा है क्योंकि बैनी हमारे साथ पहले काम भी करता था यार। अरे जो भी हो, लेकिन यार आइडिया तो मैंने दिया था ना बस। ओह भाई साहब तुम दो लड़ना बंद करो, ठीक है ना भाई साहब, बहुत देर चलाने के बाद अब जाके कोई फ्लैट जमीन मिली है, यही तो फटाफट से अपने घर की तरफ चलते हैं। अरे आराम से भाई, मट्टी फिसल रही है बहुत ज्यादा। अरे यार इनको कितना डर लग रहा है ना फेंकी भैया। अरे डर मैं अपने लिए नहीं रहा हूँ, बच्चा तेरे लिए रहा हूँ, क्योंकि यार तू बच्चा है और गिर गया ना तुझे चोट लग जाएगी। अरे मुझे पता है आप अपने वजह से डर रहे थे गाइस, यार मैं तो कितने भी कुछ भी हो जाए मैं कभी नहीं डरता, समझे क्या है? अरे बच्चों इसको समझाओ कि कौन पावरफुल है, ड्राइवर भैया या सिंचन, फटाफट से लिख दो ड्राइवर भैया। गाइस यार आप लोग डंडा बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और भाई साहब अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, सिंचन और ड्राइवर भैया चुपचाप रहो, अब इससे ज्यादा मत लड़ो यार। अरे ठीक है इनको बोलिए मेरे से फालतू ना बोले, समझे क्या है? अरे पागल है क्या, अब दोनों के दोनों चुपचाप बैठे रहो, वरना दोनों को जाके पानी में डाल के आ जाऊंगा, ठीक है ना? अरे यार ड्राइवर तुम भी आ गए, अरे ड्राइवर आओ जल्दी आओ। अरे माइकल तो यहाँ पे पहले से ही। अरे माइकल हमें क्या होगा, हमारे साथ ये फ्रैंकलिन का बच्चा जो है हमें बचाने जरूर आता है हर बार। अरे फेंकी भैया पावरफुल है इसलिए तो बचाने आते हैं, समझे क्या, आप तो खुद फंसे हुए थे ही। अरे बच्चे तो फिर फालतू बोला, अरे फ्रैंकलिन समझा ले छोटे से बच्चे को, वरना उठा के पानी में फेंक दूंगा। अरे यार मेरे को बचाने आ जाएंगे फेंकी भैया, समझे क्या। अबे यार तुम लोग आपस में लड़ते रहो, और भाई साहब मेरे अंदर इतना दम नहीं बचा। अबे भाई साहब बस आप कोई लड़ाई करेगा ना तो मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा। तो गाइस आप लोग यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे तेरे घर से तो बिल्कुल मजा आ रहा है देखने में फ्रैंकलिन। क्या देखने में मजा आ रहा है, पूरा लॉस एंजेलिस पानी में डूबा हुआ है यार, बचाना पड़ेगा सबको, चलो चलते हैं गाइस, बाय।